मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली वालों, प्यार और मोहब्बत देख के मैं कायल हो गया आप लोगों का। आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के सीएम की शपथ लेने जा रहा है। इतवार को अपने बेटे को आशीर्वाद देने रामलीला मैदान जरूर आना। केजरीवाल रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वही रामलीला मैदान, वही मंत्रिमंडल की टीम, वही तेवर तरीका, वही अरविंद केजरीवाल। बस तारीख और साल बदल जाएंगे। 2013 और 2015 की तरह अरविंद केजरीवाल कल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की लेने जा रहे हैं शपथ। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अरविंद केजरीवाल की शपथ का काउंटडाउन शुरू। बस 15 घंटे बाद तीसरी बार दिल्ली में फिर केजरीवाल। I love you. केजरीवाल की शपथ में सबसे खास मेहमान दिल्ली की जनता। आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के सीएम की शपथ लेने जा रहा है। इतवार को अपने बेटे को आशीर्वाद देने रामलीला मैदान जरूर आना। 10 बजे तक पहुंच जाना और हाँ, घर के सब लोगों को लेके आना। मंच सज रहा है, कुर्सियां लग रही हैं, तैयारियां पूरे जोरों पर है। कल इसी रामलीला मैदान में पुराने चेहरों के साथ दिल्ली की नई सरकार शपथ लेगी। शपथ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जनता के लिए 45,000 कुर्सियां लगी हैं। पूरे मैदान में 12 एलईडी स्क्रीन हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी। पुख्ता सुरक्षा के तमाम तामझाम के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता संभालेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए ये शपथ कई मायनों में खास है, क्योंकि लगातार तीसरी बार वो रामलीला मैदान से दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगे। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से अरविंद केजरीवाल राजनीति के नायक बनकर उभरे। रामलीला मैदान पर लगे अन्ना आंदोलन के मंच से ही केजरीवाल को नई पहचान, नई ताकत मिली। इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का क ख ग सीखा। 2011 में आंदोलन की कमान संभालते 2013 में सियासी कमान संभालने लगे। पहली बार चुनाव लड़े और 2013 में मुख्यमंत्री पद की पहली शपथ रामलीला मैदान से ली। जिनके साथ मिलके पिछले 5 साल मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को चलाया है, दिल्ली को बनाया है, और अगले 5 साल भी जिनके साथ मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को चलाना है। इसमें दिल्ली के उद्योगपति हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं, दिल्ली के दुकानदार हैं, दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं। कल शपथ समारोह में अरविंद केजरीवाल के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया है, किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। कल मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम शपथ लेंगे।
इस वक्त हम मौजूद है रामलीला मैदान के अंदर, तैयारियां जोरों पर है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि इस तादाद में तकरीबन 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। साउंड सिस्टम्स के जरिए यहां पर चेक किया जा रहा है पूरा साउंड सिस्टम। इसके अलावा LCD स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग इस शपथ ग्रहण समारोह को लाइव जो है वो देख सके। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अरविंद केजरीवाल और अपने 6 मंत्रियों के साथ यहाँ पर कल शपथ लेंगे। तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जीतते ही विपक्ष को उम्मीद थी कि उनके शपथ का मंच विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में बदलेगा, सब मिलकर नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक और झारखंड में हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने साफ संदेश दिया कि अभी उनका फोकस दिल्ली है, वो प्रधानमंत्री मोदी से टकराव के मूड में नहीं है, ना ही उनकी महत्वाकांक्षा विपक्षी मोर्चे का पोस्टर बॉय बनने की है। शपथ ग्रहण के लिए तो मुख्य तौर पर दिल्ली के लोगों को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और जीती है, उनके आशीर्वाद से सरकार बनने जा रही है, तो मुख्य तौर पर तो फोकस उन्हीं पे रहेगा। साथ साथ जो अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो उनको इनवाइट किया गया है, सभी पार्टियों के जो जीते हैं। पहले की तरह ही इस बार भी दिल्ली की जनता ही शपथ समारोह के मुख्य अतिथि होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के 7 सांसद और BJP के 8 विधायकों को न्योता दिया है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं कि इसमें से कौन केजरीवाल का मेहमान बनेगा। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। दिल्ली वालों ने लगातार तीसरी बार केजरीवाल को सत्ता सौंपी। जीत अद्भुत रही, अकल्पनीय रही, अविश्वसनीय रही। 70 में से 62 सीटें मिलना अलग ताकत का एहसास कराता है। अब दिल्ली में 5 साल लगे रहो केजरीवाल की गूंज रहेगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले एक विवाद ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका दे दिया है। आरोप है शपथ समारोह में लोगों को जबरदस्ती आने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। अगर तुम शाहीन बाग के साथ खड़े हो तो तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो। मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि वो मुझे बेटा मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसी घटना में केजरीवाल को है। OBC भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा तो दिखाई देगा। चुनाव से पहले की ये तलखी बम्पर जीत के बाद भी जारी है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक OP शर्मा ने नतीजे आने के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल को आतंकी कह डाला था। केजरीवाल का जो रंग है भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का, इतना पक्का रंग उनके ऊपर चढ़ चुका है कि उनके ऊपर कोई रंग लगता नहीं है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति, अपने आप को अनार्किस्ट कहने वाला व्यक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना के ऊपर सवालिया निशान लगाने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का स्पोक पर्सन बनने वाला व्यक्ति अगर आतंकवादी नहीं है तो क्या राष्ट्रभक्त है? हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के हमलों से बेअसर है, वो बड़ी जीत के बाद बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। पार्टी ने शपथ समारोह में पूरी दिल्ली को न्योता दिया है। शपथ समारोह में दिल्ली के निर्माता नाम से एक स्टेज बन रहा है जिसमें दिल्ली सरकार की बड़ी योजनाओं को चलाने वाले 50 लोगों को जगह मिलेगी। इस खास मंच पर शिक्षक होंगे, स्कूल के चपरासी होंगे, जय भीम स्कीम का फायदा लेने वाले छात्र, ओलंपियाड में शामिल बच्चे होंगे, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, फरिश्ते योजना के तहत सम्मानित लोग, फायर फाइटर, सफाई कर्मचारी, बस मार्शल, मेट्रो ड्राइवर, सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाले आर्किटेक्ट, आंगनबाड़ी वर्कर, किसान, हर सेक्टर से लोगों को न्योता दिया जा रहा है। एक अलग से स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पर जो लोग रहेंगे, दिल्ली के निर्माता, तो दिल्ली के निर्माता पे विशेष रूप से अध्यापक बैठेंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स बैठेंगे, स्कूल के पियोन को बिठाया जाएगा,
स्कूल के जो पियोन हैं, जो स्कूल की साफ सफाई से लेके स्कूल की व्यवस्था देखते हैं। शपथ समारोह की उल्टी गिनती शुरू होते ही इसके साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि शिक्षकों को जबरन समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट कर उस सर्कुलर की कॉपी जारी की है, जिसमें शिक्षा विभाग ने हर स्कूल से 20 शिक्षकों को समारोह में जरूर आने को कहा गया है। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान में ही शिक्षकों की हाजिरी भी लगेगी। ये लोग शिक्षकों की, मुझे लगता है शिक्षक, आम आदमी पार्टी शिक्षक का सम्मान करती है और जानती है, इसीलिए सम्मान इतने बड़े समारोह में उनको निमंत्रित किया गया है। बाकायदा दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग का सर्कुलर निकला है और उस सर्कुलर में गेट नंबर तक बताए गए हैं कि किस शिक्षक को किस गेट से प्रवेश करना है। साथ ही ये कहने का प्रयास करें कि हमने तो आमंत्रण दिया है, तो आमंत्रण में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होती। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो शिक्षकों को बुलाकर उन्हें सम्मान दे रही है। बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। हालांकि शिक्षक एसोसिएशन ने भी इस तरह से सर्कुलर का विरोध किया है। शिक्षक शपथ समारोह में शिक्षकों को इस तरह से मैंडेटरी बुलाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, गलत है ये आदेश, क्योंकि इस आदेश में एक इनवाइट करते, इनविटेशन से मुझे लगता है कि शिक्षक बड़े उससे जाते, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में, इस प्रचंड जीत में हमारा भी बहुत बड़ा श्रेय है। फिलहाल विवाद के बीच शपथ की तैयारियां चल रही हैं। बस 15 घंटे बाद दिल्ली को नई सरकार मिलने वाली है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ अंकित यादव, आज तक। 16 फरवरी को केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो 6 मंत्री भी शपथ लेंगे जिन्होंने पिछली सरकार में भी दिल्ली सरकार में मंत्रालय का कामकाज संभाला था। हालांकि अटकलें कुछ नए चेहरों को लेकर जरूर थे, लेकिन फिलहाल उन तमाम नामों पर फुल स्टॉप लग चुका है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। वाकई दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62 सीटों वाली जीत का जश्न तो ऐसा ही मनता है। 8 सीटों के साथ नंबर 2 पर बहुत दूर ही सिमट गई बीजेपी, तो बेचारी कांग्रेस तो खाता तक नहीं खोल पाई। इस मेगा और महाजीत के बाद अब तैयारी शपथ ग्रहण की है, जो रविवार यानी 16 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगा। बुधवार को ही सर्वसम्मति से अरविंद केजरीवाल को आप विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हालांकि उस वक्त ये तय नहीं था कि केजरीवाल की नई कैबिनेट में उनके सहयोगी कौन कौन होंगे, लेकिन अब ये भी बेपर्दा हो चुका है। जी हां, केजरीवाल की नई मंत्रिमंडल में वो सभी 6 विधायक मंत्री बन रहे हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। मतलब केजरीवाल की नई कैबिनेट में भी उनके पुराने मंत्रियों की ही कुर्सी फिक्स हो गई है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 6 विधायकों को मंत्री भी नियुक्त किया है। 16 फरवरी को केजरीवाल के साथ जो 6 मंत्री शपथ लेंगे वे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम हैं। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सबने एक मत से लिया। नहीं, पूरी कैबिनेट शपथ लेंगे। देश भर में हमने राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़ने के लिए वॉलंटियर बेस तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9871010101, जिसपे लाखों लोग काफी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि केजरीवाल मंत्रिमंडल में लगातार दूसरी बार मंत्री पद संभालने वाले विधायकों ने कहां कहां से मुकाबला जीता है। मनीष सिसोदिया ने कड़े मुकाबले में पटपड़गंज सीट जीती। सत्येंद्र जैन ने शकुर बस्ती से चुनाव जीत लिया। गोपाल राय बाबरपुर सीट से चुनाव जीत गए। कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ से चुनाव में जीत हासिल की। इमरान हुसैन ने बली मारान से एक बार फिर बाजी मार ली, तो राजेंद्र पाल गौतम ने सीमापुरी से जीत का स्वाद दूसरी बार चखा। हालांकि पहले केजरीवाल कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों को लाए जाने की अटकलें चल रही थी, मगर पार्टी ने इसे खारिज कर दिया है।
कहा जा रहा है कि जब पुराने मंत्रियों ने अपने काम के दम पर चुनाव जीत कर दिखा दिया है तो इन मंत्रियों को बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि जिन पुराने 6 मंत्रियों पर केजरीवाल ने अब की बार भी भरोसा जताया है उन्हें वही पुराने मंत्रालय दिए जाएंगे या फिर उसमें कुछ फेरबदल भी होगा। खबरें ये भी तैर रही हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल के समीकरण कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वैसे फिलहाल ये अटकलबाजी ही है जिसका सच मंत्रालय बंटवारे से साबित हो जाएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस श्रीराम के भक्त हनुमान जी का केजरीवाल को आशीर्वाद मिला और केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके दुश्मनों की नली तोड़ दी, उसी राम के नाम पर बने रामलीला मैदान में केजरीवाल 16 फरवरी को सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। रामलीला मैदान भी केजरीवाल के लिए बेहद खास है। जै जै बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। हम बजरंग बली के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान श्री राम के भक्त हैं अरविंद केजरीवाल। राम भक्त हनुमान के भी भक्त हैं सीएम केजरीवाल। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। विधानसभा चुनाव में जीत से पहले ही अरविंद केजरीवाल राम भक्त और हनुमान भक्त बन गए थे, तो जीत के बाद उनका ये भक्त स्वरूप भी सबके सामने आ गया। लगातार तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने जा रहे अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान का भक्त कहते हैं। तभी मतदान से पहले और चुनाव जीतने के बाद अपने स्वामी का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया था और चुनाव जीतने के तुरंत बाद भी हाथ जोड़े अपने भगवान के सामने जा पहुंचे और अपने इष्ट देव को इतना सब कुछ देने के बदले में शुक्रिया कहा। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें। हालांकि केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने जय श्री राम का सहारा लिया था, लेकिन राम भक्त हनुमान के शरण में पहुंचे केजरीवाल की आस्था ज्यादा दमदार साबित हुई और बदले में रिकॉर्ड तोड़ जीत का आशीर्वाद मिल गया। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें। मंगलवार को बजरंग बली का दिन कहा जाता है और मंगलवार के दिन ही भगवान ने अपने भक्त का दिन मंगल मंगल कर दिया। मतदान से पहले कभी केजरीवाल ने पूरा हनुमान चालीसा सुनाया तो कभी गदा के साथ चुनावी मंच पर अवतरित हुए, जिसका बीजेपी ने जमकर माखौल भी उड़ाया।
अरविंद केजरीवाल जी के जीवन में शुद्धता है कि नहीं, सुचिता है कि नहीं, विचारों में प्रदूषण, दिल्ली में आए तो वहाँ प्रदूषण, जमुना जी उनके अंडर आई तो वहाँ प्रदूषण, अभी जा रहे हो पूजा करने उसमें प्रदूषण। लेकिन आखिर में मंगल हुआ तो वो सिर्फ केजरीवाल का हुआ। बजरंग बली ने वाकई में केजरीवाल की सत्ता में राम के नाम पर सेंधमारी करने वालों पर करारा प्रहार किया। अगले 5 साल के लिए तो राम भक्त हनुमान ने केजरीवाल का बेड़ा तो पार कर दिया, लेकिन अब चुनौती इस भक्त के सामने भी है जिसे भक्ति का इनाम तो मिला है लेकिन उसे निभाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये तीसरी बार होगा जब रामलीला मैदान केजरीवाल के शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा। आखिर केजरीवाल और रामलीला मैदान के बीच कैसा है कनेक्शन, जो हर बार वो इसी मैदान से अपनी पारी की करते हैं शुरुआत, देखिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, वो मैदान जिसने आंदोलन के क्रांतिकारी केजरीवाल को देखा, तो आंदोलन से निकलकर दिल्ली के सीएम पद की सीढ़ी चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल को भी देखा। रामलीला मैदान केजरीवाल के आम आदमी से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करने की पूरी कहानी का गवाह रहा है। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन की शुरुआत साल 2011 के अगस्त महीने से होती है, जब समाज सेवी अन्ना हजारे लोकपाल के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकते हैं। उस वक्त पहली बार रामलीला मैदान में क्रांतिकारी केजरीवाल की शख्सियत सामने आती है। रामलीला मैदान आंदोलन में शामिल केजरीवाल को कायाकल्प होते अपने सामने देखता है। रामलीला मैदान की मिट्टी का जादू देखिए या फिर केजरीवाल के जिद और जुनून, 2 साल के भीतर ही वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि रामलीला मैदान केजरीवाल को एक नायक के तौर पर अपने कलेजे पर कदम रखते देखता है। ये साल था 2013, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सियासत में कीर्तिमान रचकर सबको चौंका देते हैं। अन्ना के आंदोलन से निकलकर केजरीवाल राजनीति की राह पकड़ते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हैं। 2013 में पहली बार केजरीवाल इसी रामलीला मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हालांकि उनका ये कार्यकाल सिर्फ 49 दिन का ही होता है और 49 दिन के अंदर उनकी सरकार गिर जाती है। यहीं से पहली बार केजरीवाल और रामलीला मैदान के बीच किस्मत कनेक्शन जोड़ता है। साल 2015, 2013 में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद 2015 के चुनाव में केजरीवाल पूरे दमखम के साथ दिल्ली के दंगल में उतरते हैं। इन चुनाव में केजरीवाल ऐसा करिश्मा दिखाते हैं जो उनके भविष्य की बुनियाद तय करता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2015 के चुनाव में 67 सीटें हासिल कर सत्ता में आती है और फिर एक बार केजरीवाल रामलीला मैदान में ही सीएम पद की शपथ लेते हैं। मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। 70 में से 67 सीटें। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। अब 8 साल बाद एक बार फिर रामलीला मैदान केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने जा रहा है।
रामलीला मैदान में केजरीवाल शपथ ग्रहण की हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 16 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और एक बार फिर दिल्ली का रामलीला मैदान केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते देखने जा रहा है। अब ये महज संयोग है या केजरीवाल का किस्मत कनेक्शन कि रामलीला मैदान उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर आप हमारे एक खास शो देख रहे हैं। जैसी शानदार विजय आम आदमी पार्टी को मिली है उससे केजरीवाल और उनकी पार्टी के अरमान सातवें आसमान को छू रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी अब दिल्ली से बाहर भी अपने विस्तार का प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल। आई लव यू। के दंगल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को परास्त करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कामयाबियों के उस माउंट एवरेस्ट पर खड़े हैं जहां से उनको समूचे देश की राजनीति दिखाई पड़ रही है। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और इस दिल में जिसकी जगह बन गई उसके लिए राजनीति का विस्तार देश के अलग अलग फलक पर हो सकता है। इसीलिए दिल्ली विजय के बाद ये सवाल उछला कि अगली बारी केजरीवाल करेंगे कहां की तैयारी। अभी हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम दिल्ली का चुनाव कैसे बड़े मतों से जीतें, कैसे एक बड़ा मैंडेट हमारे हक में आए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम अपने संगठन का, अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां जहां हमारी संगठनात्मक स्थिति मजबूत होगी उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास भी। ऐसे में उनका इशारा आने वाले समय में केजरीवाल की बड़ी राजनीति का पैगाम हो सकता है। आखिर केजरीवाल ने जो जीत हासिल की है उसने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की अभेद्य शक्ति को भेद दिया है। केजरीवाल की इस जीत की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने बूते मोदी शाह की रणनीति को ध्वस्त किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर जीत दर्ज की, क्योंकि पहली बार ध्रुवीकरण की बीजेपी की रणनीति पूरी तरह मिट्टी में मिल गई, क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने बीजेपी के चुनावी प्रबंधन को बेहतर चुनावी कौशल से करारा जवाब दिया, क्योंकि पहली बार 300 सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की फौज को एक आदमी ने परास्त कर दिया। केजरीवाल की इस जीत में अगर विपक्ष को अपने लिए नई आशा दिख रही है तो इसलिए कि सत्तारूढ़ दल होकर भी आपने जीत का हौसला ऊंचा रखा। हारने को तो बीजेपी राजस्थान में भी हारी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हारी और पिछले साल के आखिर में झारखंड भी, लेकिन वहां बीजेपी का सत्ता विरोधी लहर से सामना हुआ, यहां तो केजरीवाल ने अपने हुनर से जंग जीत। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने को दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से, अपने परिवार ने बड़ी उम्मीदों से इतनी सीटें दी है। अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। अभी तो केजरीवाल का ध्यान 16 फरवरी को होने वाले उनके शपथ ग्रहण समारोह पर है जिसके लिए उन्होंने समूची दिल्ली को न्योता दिया है। आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के सीएम की शपथ लेने जा रहा है, इतवार को अपने बेटे को आशीर्वाद देने रामलीला मैदान जरूर आना, 10 बजे तक पहुंच जाना और हाँ, घर के सब लोगों को लेके आना। और बालाजी महाराज की। तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन लगातार जीत ने पार्टी में नई उम्मीदों का दरवाजा तो खोल ही दिया है। क्या अभी तो शिक्षा के जरिए देश की तस्वीर बदलना बाकी है। अभी हमने गवर्नमेंट से तस्वीर बदलने की बहुत कोशिशें की हैं देश में, लेकिन शिक्षा के जरिए देश की क्या तस्वीर बदल सकती है जब आप सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका नजारा 5 साल में और देखने को मिलेगा। तो सारी दिल्ली बोले दिल से, लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली में अपने काम पर केजरीवाल एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, क्या उसी मॉडल की नुमाइश उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति का कारवां तैयार करें। अशोक सिंघल के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक।
जैसे ही बीजेपी के जबरदस्त चुनाव प्रचार और दमखम को परखनी देकर केजरीवाल ने दिल्ली का चुनावी रण जीता, विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस कांग्रेस को केजरीवाल ने दिल्ली में कहीं का नहीं छोड़ा, वो भी खुश हो गई। वैसे तो अगला चुनाव 9 महीने बाद है, लेकिन अभी से केजरीवाल के नाम को सियासी धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में लगातार 3 जीत ने केजरीवाल के विजय रथ को आगे बढ़ने के लिए उम्मीदों का नया राजमार्ग खोल दिया है। जिन नेताओं और पार्टियों का विरोध करके केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह बनाई थी, उन नेताओं ने भी केजरीवाल की जीत ने नई उम्मीद भर दी है। समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन लोकांना पर्याय द्यायची भूमिका घेतली, लोक पाठिंबा देतील, लोक बीजेपीला फेकून देतील आणि जे महाराष्ट्रात झालं आणि तसंच लोकांचं व्हावं अशा प्रकारची भावना अन्य राज्यात सुद्धा आहे। राजनीति के नए राजमार्ग पर केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विपक्षी एकता का रथ दौड़ेगा तो उसको पहली बाधा दौड़ बिहार में पड़ेगी। तो क्या बिहार में तमाम विपक्षी दलों को जोड़ने वाली सीमेंट केजरीवाल ही बनेंगे? अभी तो केजरीवाल की जीत से आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक तमाम दल गदगद हैं। देश जो है जिस नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है, हर तरफ अगर आप देखिएगा तो लोग परेशान हैं, बेबस हैं और हताश हैं। आर्थिक मंदी, जीडीपी नीचे गया, तो जनता जो है वो काम चाहती है और जो उनके साथ, गरीबों के साथ जो खड़ा रहेगा, जो काम करेगा, जो उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा, उसी को जनता जो है सत्ता में बैठाएगी। राज्य के चुनाव में बीजेपी को बहुत हार मिलती जा रही है एक चुनाव से अगले चुनाव तक, और अब दिल्ली में तो ऐसी हार मिली है कि जो करंट ईवीएम का शाहीन बाग तक पहुंचना था, वो शाहीन बाग का करंट होम मिनिस्टर तक पहुंच गया। दिल्ली का जो संदेश जा रहा है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश की जनता एक बार फिर किसान, गरीब, नौजवान, विकास और खुशहाली के लिए मतदान करेंगे। ये जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों से की हुई थी, उसमें वो असफल होते हुए दिखाई देंगे। केजरीवाल की पहचान एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनी है जिसने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया उसको कर दिखाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दूसरे राज्य भी दिल्ली के नक्शे कदम पर विकास का मॉडल पेश करना चाहते हैं। दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। दिल्ली की तर्ज पर झारखंड सरकार नया शिक्षा मॉडल लागू करेगी। दिल्ली की तर्ज पर तेलंगाना सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली वो भी फ्री देंगे। आज मुझे खुशी इस बात की कि झारखंड की सरकार कह रही है कि हम दिल्ली का एजुकेशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार ये कहती है कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अपनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये देश की राजनीति में नई शुरुआत है और राष्ट्र निर्माण जिसका जिक्र आप कर रहे थे, यही तो राष्ट्र निर्माण है। इस साल के आखिर में बिहार की लड़ाई है तो अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी से विकास के केजरीवाल मॉडल पर उतरने की बात कर रही हैं। केजरीवाल का असर ममता के बंगाल में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विकास का काम ममता को केजरीवाल से सीखना चाहिए। यदि आप एक बल्ब और एक फैन चलाएंगे तो डेली 1.8 यूनिट उठता है, तो ये महीना में आप माने 30 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है। 30 यूनिट से यदि ज़्यादा उठता है तो 3 महीना में ऐसे 90 यूनिट होता है, तो 90 यूनिट होने से तो वह छूट का लाभ नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो यह सामने 2021 का इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखकर लोगों को लुभाने का चेष्टा किया गया है। यदि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सही मायने में लोगों को छूट देना चाहते हैं, तो जिस प्रकार केजरीवाल ने उनका दोस्त जो वहां पर 200 यूनिट का छूट दे, वो भी यहां पर 250 यूनिट का छूट दे, तभी तब ना हम कहेंगे कि वो छूट दे। तो सवाल है कि क्या केजरीवाल अब दिल्ली से देश की तरफ कूच करेंगे या फिर अभी विरोधी राजनीति का तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे? आज तक ब्यूरो। दिल्ली में आपकी जीत से पार्टी के कई नेता उत्साहित तो हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाकर अपने पैर पसारने में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। एक पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य में पार्टी को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पहली बार हड़बड़ी में केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही भिड़ गए थे और वाराणसी में उनको मुंह की
खानी पड़ी थी। ২০১৩ में केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े और उनको भारी शिकस्त दी। इतना ही नहीं, उसी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन 3 महीने में राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाने का ऐलान कर दिया और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ बैठे। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। वो अनुभव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरा था, लेकिन 2015 में मिली शानदार जीत के बाद केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने का मन फिर से कुल बुलाने लगा। वो अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे, लेकिन नाकामियों के सिवा कुछ नहीं मिला। 2019 में आपने हरियाणा में 46 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत सब, वोट मिले 0.48%। 2018 में आपने छत्तीसगढ़ में 85 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत सब, वोट मिले 0.87%। 2018 में ही आपने मध्य प्रदेश में 208 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत जब्त, वोट मिले 0.66%। 2018 में ही आपने राजस्थान में 142 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत जब्त, वोट मिले 0.38%। 2018 में ही आपने कर्नाटक में 28 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत जब्त, वोट मिले 0.06%। 2017 में आपने पंजाब में 112 उम्मीदवार उतारे, 20 जीते, वोट मिले 23.72%। 2017 में गोवा में आपने 39 उम्मीदवार उतारे, सिर्फ एक की जमानत बची, वोट मिले 6.27%। 2017 में ही आपने गुजरात में 29 उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानत जब्त हुई और वोट मिले सिर्फ 0.1%। यानी एक पंजाब को छोड़कर कहीं भी लोगों ने केजरीवाल को भाव नहीं दिया, इसीलिए दूध की जली आप छाछ भी फूंक फूंक कर पीने में लगी है। आज तक ब्यौरा।